मॉर्निंग बेटा, आप आई लेट करांगे प्रदूषण की समस्या। उस तो बाद लास्ट 10 मिनट के विच आप भ्रिष्टाचार लेट कर रहे थे, ठीक है, जिहड़े उहदे हेडिंग रह गए बाद च डिस्कस कर लांगे, ठीक है। समस्यावां रिलेटिड लेख आने हैं, प्रदूषण, महंगाई, भ्रिष्टाचारी, ठीक है। सेकंड अपना है प्रदूषण की समस्या, भूमिका सेम ही, ठीक है, भूमिका लिखवाई हुई ना। सेकंड हेडिंग प्रदूषण का अर्थ, पहली भूमिका सेम इंट्रोडक्शन में रिपीट नहीं करनी, तुम्हें पता ही है, ठीक है। सेकंड है प्रदूषण का अर्थ, उस जो भ्रिष्टाचार का अर्थ लिखवाया से इसे तरह प्रदूषण का की अर्थ है। प्रदूषण का अर्थ है वातावरण का या प्रकृति वातावरण का मनुखी कारना करके दूषित होना प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषण का की अर्थ है प्रकृति या कुदरती वातावरण का मनुखी कारना करके कुदरती वातावरण का लिखो कुदरती वातावरण का मनुखी कारना करके दूषित होना प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषण का अर्थ है कुदरती वातावरण का मनुखी कारना करके दूषित होना प्रदूषण कहलाता है। मनुख अपने स्वार्थ दे लई अपने आले दुआले नू दूषित कर रहा है। मनुख अपने स्वार्थ करके अपने आले दुआले नू दूषित कर रहा है। मेरी तुम दस वन या टू लाइन दे विच हुंदा है, ठीक है, इधर आ जाइए सेकंड में। नेक्स्ट है प्रदूषण फैलन दे कारण, भूमिका बेटा काफी वड्डी लिखवाई है, सेम भूमिका जो कल लिखवाई सी ना भ्रिष्टाचार वाली, हां जेड़ी मर्जी समस्या आवे सारी लेख सेम है, ठीक है, दसिया सी ना। नेक्स्ट है प्रदूषण फैलन दे कारण, एदे अगो सब हेडिंग लिखांगे। आपा सिक्स क्लास भी सैवन क्लास भी काफी चैप्टर पढ़े है, ठीक है, उन्हां दी आपा हेडिंग बनाने है। प्रदूषण फैलन दे कारण किना किना कारना करके प्रदूषण फैलदा, आपा सिक्स सैवन हेडिंग इहदे बनावांगे, एक्सप्लेन करांगे, ठीक है। प्रदूषण फैलन दा सब तो पहला वड्डा कारण है आवाजाई दे साधना दा वध प्रयोग। ये आपा चैप्टर सिक्स क्लास दे विच भी पढ़िया होया, काफी एक्सप्लेन कर सी, याद करो आपा सिक्स क्लास चैप्टर पढ़िया सी, हाँ, ठीक है। आवाजाई, वह भी अलग हैडिंग बनावांगे, आवाजाई दे साधन मीन्स और ट्रांसपोर्ट का वध प्रयोग, ठीक है। अजकल मनुख ने जे थोड़ी दूरी ते भी जाना होवे स्कूटर गड्डियां कारा दा इस्तेमाल करदे हन, जिस करके इन्हां दे विचों जहरीलियां गैसां या काला धुआं निकलदा है, ठीक है, जहरीलियां गैसां निकलदियां हन, ठीक है, धुआं निकलदा है जदों असीं साह लैंदे आ बेटा, ठीक है, जदों आपां साह लैंदे आ तो जहरीलियां गैसां साडे अंदर चली जांदियां ते सानूं कई तरह दीआं बीमारियां लगदियां। तुसीं हुण बेटा आम देखिआ जदों तुसीं स्कूटर ते जांदे हो कई वारी तुहानूं आईज़ दे इरीटेशन हुंदी ना, अखां दे पानी आना शुरू, जलन हुंदी है, ओह किहदे करके हुंदा, धूए दे करके ही है, जहरीलियां, ठीक है, कई करके सानूं अखां दे विच जलन होनी शुरू हो जांदी है धूए दे करके, ठीक है, या साह दीआं बीमारियां लग जांदियां। ये किहदे करके होया है, आवाजाई दे साधना दा वध प्रयोग। दोबारा रिपीट करदी हां, सुनो बाद चो लिखना, दस्सिया सी ना उस दिन, आवाजाई दे साधना दा वध प्रयोग। अज जे किसी इंसान ने थोड़ी दूरी ते भी जाना होवे गड्डियां स्कूटरां कारां दा इस्तेमाल करदे हन, जिस करके इन्हां दे विचों जहरीलियां गैसां निकलदियां, ते जदों जहरीलियां गैसां साडे शरीर दे विच अंदर साह राहीं जांदियां हन तां सानूं कई तरहां दीआं बीमारियां लगदियां हन।
ठीक है। इस तो इलावा सानू जिहड़ा कि कई बार अखां दी ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਜਲਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲਓ ਦੋ ਤਿੰਨ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮਾਰਕਸ ਮਿਲਨੇ ਆ। ਲਿਖੋ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ, ਅੱਗੇ ਲਿਖੋ, ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਡਿੰਗ ਹੈ कारखानिया ते फैक्ट्रिया विचों निकलन वाला धुआं। हर एक पॉइंट नू फोर फोर लाइन भी एक्सप्लेन करोगे ताई थोड़ा लेख बनना है 10 मार्क्स का। फैक्ट्रिया ते ठीक है, फैक्ट्रिया जा कारखानिया विचों निकलन वाला जहरीला धुआं, ठीक है, फैक्ट्रिया विचों निकलने वाला जहरीला धुआं, ठीक है, कारखाने या फैक्ट्रिया दे विचों, ठीक है, चिमनिया लगी होंगी है, चिमनिया दे विचों बहुत जहरीला धुआं निकलता है, चिमनिया दे विचों बहुत जहरीला धुआं निकलता है, ते कई बार कारखाने ते फैक्ट्रिया वाले अपने फालतू पदार्थ ठीक है पानी दे विच नहरा दे विच सुट दिंदे हन। हाँ, वेस्ट जो भी ठीक है, वेस्ट जिहड़े की है जो भी मटीरियल है वह नदियां नालियां दे विच पानी दे विच सुट दिंदे हन, ते ए पानी दा रस्ता रोक दिंदे हन जिस करके बदबू फैल जाती है। दूसरा, एक धुआं निकलता है चिमनिया दे विचों, धुआं निकलता है तो धुआं जहरीला हुंदा है, जिहड़े आस पास लोग रहिंदे हन उहनां दे शरीर दे इसदा माड़ा प्रभाव पैंदा है। ते सैकिंड है जिहड़े फालतू पदार्थ वेस्ट मटीरियल हुंदा है जदों नदियां नालियां दे विच सुटदे हन तां पानी दा रस्ता रुक जांदा है, ते जिस करके पानी जिहड़ा कि बदबू फैलांदा है जो प्रदूषण दा बहुत वड्डा इक कारण है। ठीक है, फालतू पदार्थ प्लास्टिक दे लिफाफियां दी वरतों। अजकल काफी चीजा प्लास्टिक वर्तिया जा प्लास्टिक लिफाफे की वरतों आम होने लग गई है, पर प्लास्टिक के लिफाफे बेटा ना तो गलते हैं ना ही सड़ते हैं। जे असी इन्हां नूं अग लाइए तो काफ़ी जहरीलियां गैसा छड़दे हन, जे पानी भी सुट दिता जाए तो पानी का रस्ता रोक देंदे हन ते बदबू फैलांदे हन, ठीक है, जिस करके जिहड़ा कि वातावरण प्रदूषित हुंदा है। सिक्स क्लास पूरा चैप्टर है प्लास्टिक के लिफाफे की वरतों अजकल बहुत होने लग गई है जिस करके वातावरण प्रदूषित हुंदा है। प्लास्टिक के लिफाफे ना तो गलते हैं ना तो सड़ते हैं, जिन्हों मिट्टी भी दब दिता जाए तो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति घटती है, जे असी पानी भी सुट दें तो पानी का रस्ता रोक दें, जे इन्हों अग लाई जाए तो जहरीलियां गैसा छड़ते हैं। ठीक है, इस करके साडा की है जिहड़ा वातावरण प्रदूषित हुंदा है, उपजाऊ शक्ति घट जाती है। लिख लो बेटा पॉइंट। नेक्स्ट है, हाँ, रसायनी खादा दा वध प्रयोग। फर्टिलाइजर,
रसायनी खादा दा वध प्रयोग खेतीबाड़ी दे विच जदों असी रसायनी खादा फर्टिलाइजर ठीक है कुदरती खाद की थां ते कुदरती नहीं आपां खुद तैयार करदे हां कुदरती खाद की तैयार थां ते आपां रसायनी खादा का प्रयोग करते हाँ ते इस नाल ठीक है काफ़ी सारिया बीमारियां लगदियां जदों असी फल ते सब्जियां खाने हाँ ये फल ते सब्जियां जो सानू तंदुरुस्त रखदियां पर जदों ये फल ते सब्जियां विच रसायनी खादा का वध प्रयोग किया जाता है ते इस नाल सानू कई तरह दियां बीमारियां लगदियां मिट्टी प्रदूषण हुंदी है कई हाँ ते बीमारियां मिट्टी प्रदूषण हुंदी ते सानू कई तरह दी बीमारियां भी लगनियां प्रदूषण नाल बीमारियां लगदी ठीक है कई तरह दियां बीमारियां लगदियां ते मिट्टी प्रदूषित हुंदी है क्लियर ठीक है आपां बेटा इक हैडिंग विचों भुल गए प्रदूषण दियां किस्मां प्लास्टिक दे लिफाफियां दी वरतों रसायनी खादा दा वध प्रयोग क्लियर सारे पॉइंट नेक्स्ट है नेक्स्ट जिहड़ा प्रदूषण दियां किस्मां इस तों पहला लिख लेना बेटा प्रदूषण फैलन दे कारण तो पहला ठीक है कारण लिखवाए से ना फोर्थ कर देना थर्ड लिख देना प्रदूषण दिया किस्मा केड़ी केड़ी किस्म है मिट्टी प्रदूषण जल प्रदूषण भूमि प्रदूषण ते आवाज या शोर प्रदूषण उन्हें फोर्थ कर देना थर्ड ठीक है फर्स्ट है दे हाँ किस्मा मिट्टी प्रदूषण सेकंड है जल प्रदूषण थर्ड आवाज या शोर प्रदूषण नेक्स्ट है हवा प्रदूषण बेटा एक कोटेशन में लिखवाई सन गुरबाणी वाली कोटेशन लिखवाई सी याद है किसी नु हाँ पवन गुरु सुनो बेटा पवन गुरु पानी पिता माता तरत महान भाव पवन नु की गया हवा लिखवाई अगे पवन गुरु पवन नु की गया उन्होंने गुरु का दर्जा दिता है माता तरत धरती नु मां दा पवन गुरु पानी पिता पानी नु पिता दा माता तरत धरती नु मां दा दर्जा दिता है गुरबाणी ने फिर भी मनुख अपने लालच की खातर स्वार्थ की खातर मिट्टी हवा पानी नु की कर रहा है प्रदूषित कर रहा है लिखनी है कोटेशन लिखवाई हुई है पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत गुरबाणी दे विच भी लिखा है फिर भी मनुख अपने दस लगी अपने फायदे लिए दूषित कर रहा है हरेक लाइन दो दो लाइन एक्सप्लेन करना है ठीक है मिट्टी प्रदूषण की लिखोगे मनुख जेड़ा की खेती बाड़ी दे विच ठीक है जो रसायनी खादा की वरतों करता है तो मिट्टी प्रदूषित होंगी है या धरती से जो असं गंद सुटते हैं कूड़ा सुटते हैं दो दो लाइन ठीक है सब तो उपर कोटेशन लिख देना पहला ठीक है किस्मा उपर लिखन तो पहला उस तो बाद जल प्रदूषण पानी ठीक है मनुख है नदियां दे विच नालियां दे विच जेड़ा की है कूड़ा करकट सुटदा है जिस करके नदियां या नालियां का पानी जेड़ा की है बदबू फैलाउण लगता है ते पानी प्रदूषित हुंदा है
नेक्स्ट है आवाज ते शोर, जो अपने असी गड्डिया दे विच कारा दे विच उच्ची आवाज वाले होरन की वरतों करते हैं या उच्ची उच्ची डीजे लगाने हाँ ता शोर प्रदूषण फैलता है। नेक्स्ट है हवा प्रदूषण, जो असी कारखाने निकलने वाला धुआं या गड्डिया कारा च निकलने वाले धुएं दे नाल की हुंदा है हवा प्रदूषित हुंदी है। हरेक किस्म नूं दो दो लाइनां एक्सप्लेन करना है, सब तो पहला उपर की लिखनी कोटेशन। क्लीयर है? क्लीयर है पहला पॉइंट बेटा सारे नूं? बेटा दोबारा सुन लो, मिट्टी प्रदूषण किदा लिखोगे? जो आप खेती बाड़ी के रसायनिक खादा की वरतों करते हैं या आप अपने आले दुआले धरती से कूड़ा करकट सुटते हैं तो मिट्टी प्रदूषण होती है। जल प्रदूषण या पानी, जो आप नदियां नालिया के ठीक है कूड़ा सुटते हैं ठीक है या कारखाने वाले अपने फालतू पदार्थ सुटते हैं तो पानी प्रदूषित होता है। थर्ड है आवाज या शोर, जो असी उच्ची आवाज वाले अपनी गड्डिया के हॉर्न की वरतों करते हैं ताकि होंगे शोर प्रदूषण पैदा होंगे। नेक्स्ट है हवा, आवाजाई के साधनों की वरतों करते हैं ज्यादा या कारखानिया की चिमनिया निकलने वाले धुएं के नाल हवा प्रदूषित होंगी है। क्लीयर? दो लाइना सब तो पहला कोटेशन लिख ली किस्मों का पहला ठीक है, अपना एक पेज का थोड़ा बन जाएगा ठीक है। ऐसा ही फिर सैकेंड हैडिंग, पहला भूमिका फिर प्रदूषण फैलने का अर्थ, फिर थर्ड है किस्मा, फोर्थ है प्रदूषण फैलने के कारण। हो गया? हुण नेक्स्ट है प्रदूषण रोकण के उपाय, फिफ्थ है प्रदूषण रोकण के उपाय या सुझाव। उपाय या सुझाव की लिखोगे? रोकण के उपाय, किस तरह प्रदूषण जो आप कारण किते ना उन्होंने जो बेटा आप कारण किते ना ऑपोजिट ठीक है वो लिख दे ठीक है। की लिखोगे? प्लास्टिक दे लिफाफिया दी था कपड़े दे थैले दा इस्तेमाल, ऑपोजिट प्लास्टिक दे लिफाफे दी था ते कपड़े दे थैले दा प्रयोग। सेकंड की लिखोगे? आवाजाई दे साधनां दा घट प्रयोग भाव की थोड़ी दूरी ते जाना होवे सानू पैदल सफर करना चाहिए ठीक है। इंजन नू समय समय ते चेक करवाना चाहिए भी जे रीला धुआं तां नहीं छड़दा। नेक्स्ट है मिट्टी दे विच खेती बाड़ी विच रसायनिक खादा दी थां ते कुदरती खाद दा इस्तेमाल ठीक है, उहदे ओपोजिट। दैन फोर्थ है वध तों वध रुख लगाउणे, लिख लो पॉइंट ਉਹ ਲਿਖ ਲੋ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ, ਕਾਰਨ ਚ ਲਿਖ ਲੋ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ, ਕਾਰਨ ਚ ਇੱਥੇ ਹੈਡਿੰਗ ਐਡ ਕਰ ਲੋ ਬੇਟਾ, ਕਾਰਨ ਚ ਹੈਡਿੰਗ ਐਡ ਕਰੋ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ। ਕਾਰਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲੋ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਉਹ ਚ ਐਡ ਕਰੋ ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਅਸ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੁੱਖ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस नूं सोखदे हन, पर मनुख अपने फायदे दे लई रुखां दी कटाई कर रहा है जिस करके वातावरण दे विच कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वधदी जा रही है ठीक है, ते आक्सीजन की मात्रा घटती जा रही है जिस करके सानू साह लैण दे विच मुश्किल आउंदी है ठीक है। ते इहदे विच लिख लोगे सुझाव, लिख लोगे वध तों वध रुख लगाउणे, उहदा ओपोजिट सुझाव की लिखांगे? वध तों वध रुख लगाउणे ठीक है, सानू वध तों वध रुख लगाने चाहिए हैं क्योंकि रुख ही हैं जो वातावरण शुद्ध करते हैं, सानू ठंडी छां दिंदे हैं अते जीव दे लई ऑक्सीजन गैस दिंदे हैं। क्लीयर है? नेक्स्ट है ने कारखाने है फैक्ट्री है उन्हू आबादी वाले खेतरां तो दूर स्थापित करो क्योंकि जिहड़ा जहरीला धूं है जो इंसानों के अंदर जाता है तो काफ़ी बीमारियां लगदियां हैं। जो आप दूर लगावे फैक्ट्रिया आबादी वाले खेतों के कम से कम किसी नुकसान तो नहीं होगा ठीक है। क्लीयर है? तो नेक्स्ट है जोड़ा कूड़ा करकट है गंद है अपने आस पास नदियाँ नाले ना सुटो ठीक है, प्रोपर जोड़ा की है डस्टबिन सू सुना चाहिए ता जो साढ़े आले दुआले कोई भी गंदगी ना हो ठीक है। लास्ट पॉइंट है फिर सार है
ठीक है, लास्ट है सारंश। ठीक है, इस प्रकार असीं कह सकते हाँ कि प्रदूषण ने साडे, प्रदूषण ने साडी धरती का चेहरा ही बदल के रख दिता है। सानू साह लैण विच बहुत मुश्किल आती है, पर जे असीं मिल के इस दे खिलाफ कदम उठाइए, अपने आले दुआले नूं साफ रखिए, कूड़ा करकट नदियां भी ना सुटिए, प्लास्टिक दी थां ते कागज जां जूट दे थैले दा इस्तेमाल करे, तां असीं अपनी धरती नूं फिर तो एक बार स्वर्ग बना सकते हां। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है सारा लेख? घट्टो घट्ट 4 पेज दा, माइक पेज ते हो गया, तुहाडा भूमिका हो गई, कोटेशन कोटेशन भूमिका ते मीनिंग। ठीक है, नेक्स्ट पेज हो गई किस्मा, फिर कोटेशन पवन गुरु पानी पिता, फिर किस्मा वाला पूरा। नेक्स्ट है कारण, 5-6 कारण हो गए। ठीक है, नेक्स्ट पेज हो गया सुझाव। ठीक है, फिर लास्ट ही सार, घट्टो घट्ट 4 पेजेस का थोड़ा लेख बन जाना, समय लग गई बेटा, क्लियर है सारा लेख?